नमस्ते सभी को, विम्मी घरगुती खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटर कड़ी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत आसानी से बन भी जाती है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। यहाँ पे मैं एक कटोरी मटर यूज करूंगी, चार हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इसे हल्का सा ग्राइंड करके इसमें दो चम्मच बेसन डालेंगे, फिर से ग्राइंड कर देना है। ये देखिए, इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। ध्यान रखिए, इसमें पानी यूज नहीं करना है। अब कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैं दो कटोरी दही यूज कर रही हूँ, उसमें एक चम्मच बेसन, एक चम्मच लहसुन मिर्ची पेस्ट, थोड़ा सा शक्कर, आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा हींग डाल के फिर से ग्राइंड कर देंगे। ये देखिए, अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब इसमें एक चम्मच वही मिश्रण डाल देंगे मटर का और इसे फिर से ग्राइंड करेंगे। ये पैन गरम करेंगे, उसमें ये जो कढ़ी है वो डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे उबाल आने देंगे। अब उस मिश्रण के छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेंगे। देखिए, कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। अब इस बॉल को शैलो फ्राई करना है धीमी आंच पे। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, कड़ी में उबाल आ गया है। अब इन सारे बॉल्स को इसमें डाल देना है। इसे थोड़ी देर पकने देंगे। अब बारी आती है तड़का लगाने की। इसमें एक चम्मच घी ले लेना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, कद्दूकस किया हुआ अदरक, कड़ी पत्ता, हींग, दो खड़ी लाल मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर इसे तड़का लगा देना है। कितना अच्छा कलर आ गया है देखिए। ये हमारी मटर कड़ी बनकर तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।